हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचिका ने अपने पति मयंक से अपनी मर्जी से शादी की। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों की शादी के खिलाफ थी मयंक की माँ अनीता। पर रुचिका और मयंक दोनों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने देते थे। शादी के बाद रुचिका जो भी कहती मयंक वो चुपचाप कर लिया करता। और ऐसे एक दिन मयंक ऑफिस से थकारा घर आता है, तभी रुचिका उसके पास जाती है और अपने पति से कहती है, मयंक कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं बाहर खाने पर नहीं गए हैं। शादी से पहले मुझे बहुत लेकर जाते थे आप, अब क्या हुआ, आपका तो सारा प्यार गायब ही हो गया। चलो ना आज हम कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं, और वैसे भी घर का खाना खा खा कर मैं बहुत बोर हो गई हूँ, इसीलिए आज हम बाहर का खाना खाएंगे। अरे रुचिका बात को समझने की कोशिश करो, देखो महंगाई ज्यादा हो चुकी है, अगर बाहर का खाएंगे ना तो इस महीने का बैलेंस बिगड़ सकता है, वैसे भी इस महीने बहुत खर्चा हो चुका है। एक काम करते हैं, हम किसी और दिन चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए अभी। अरे जब मेरा आज मन है बाहर जाने का, तो फिर हम कभी और क्यों जाएंगे, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ शुरू शुरू में था, अब तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया है, अब मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह ही बर्ताव करूंगी देना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो वैसे भी मेरे ऊपर है ही नहीं। यार तुम्हें तो ना बस पैसों की पड़ी रहती है, अपनी पत्नी के इमोशन की तो कोई कदर ही नहीं है। इतने टाइम बाद मैंने तुम्हें कुछ बोला है, लेकिन वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा, अपनी थकावट दिख रही है बस, अपने पैसे दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, जब मैं किसी और के साथ बाहर जाऊंगी ना, तब मत बोलना तुम कि इसके साथ क्यों गई उसके साथ क्यों गई। अच्छा बाबा ठीक है, चलो चलते हैं। मयंक अपनी पत्नी की बातों को मना नहीं कर पाता और फिर वो दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो खाना खाकर घर पर आते हैं, तो मयंक तुरंत वहां से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और रुचिका को देखकर अनीता उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या, कैसी पत्नी है तू, तेरा पति अभी बाहर काम करके आया है, थक गया है, उसको खाना पूछने से पहले तूने उस पर हुक्म चला दिया। अरे थोड़ा सा तो शर्म कर ले, तूने अपनी पसंद से शादी की है, इसलिए तुझे अपने पति की बात माननी चाहिए। शादी से पहले बेशक तुम कुछ भी करते हो, लेकिन शादी के बाद जिंदगी अलग हो जाती है। मेरी अलग जिंदगी भी तो यही है ना, और इसे भी मैं बड़े प्यार से जी रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मुझे खुश देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको क्या दुख होता है अगर आपका बेटा मेरे लिए कुछ करता है, जब भी मेरे लिए कुछ करता है ना, तो आपका तो मुंह ही बन जाता है, और तुरंत आप मुझे यहाँ सुनाने आ जाती हो। कोई दिक्कत है तो साफ साफ बताइए ना, क्यों ऐसा करती हो आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अपने बेटे के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसे पत्नी वो मिली है जो पति को नचाने का शौक रखती है। तुझे बहुत खुशी होती है ना अपने पति को अपने पीछे घुमाने में, लेकिन अगर तेरी ऐसी हरकतें चलती रही ना, तो तुझे आगे चल के बहुत अफसोस होगा, ये बात तू मेरी गांठ बांध ले। अनीता अपनी बहू को समझाती तो काफी है, लेकिन रुचिका कभी किसी की बात मानती ही नहीं, वो वही करती जो उसे सही लगता। और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रुचिका नहा कर आती है और तुरंत मयंक के पास जाकर बोलती है, मयंक सुनो यार, वो क्या है ना, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, तुम मेरे कपड़े धो देना, मैं धो नहीं पाई, अब माँ जी को तो बोल नहीं सकती हूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं कर दूंगा। ओ मयंक तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, शादी के समय तुमने जो भी वचन दिए थे ना, जितने भी मुझसे वादे किए थे, तुम उन सभी वादों को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे पति हो, तुम जितना मेरा ख्याल रखते हो ना, उतना ख्याल मेरे माँ बाप ने भी नहीं रखा कभी मेरा। लेकिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला जो मेरी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखता है, मुझे कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सुनो ना मयंक, मेरे कपड़े धोने के बाद जरा मेरे लिए पास्ता बना देना, तुम्हारे हाथ का पास्ता ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, मेरे लिए इतना तो कर ही दोगे ना तुम। ठीक है तो एक काम करता हूँ, पहले पास्ता बना देता हूँ, तुम पास्ता खा लेना, जब तक मैं कपड़े धो लूंगा। मयंक हर वो काम करता रहता जो रुचिका बोलती, लेकिन रुचिका को जरा भी अफसोस नहीं होता कि वो अपने पति के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। क्या हुआ माँ, अभी तक आपके सर में दर्द है क्या? हाँ थोड़ा दर्द तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये तो ठीक हो ही जाएगा। तू जा बेटा, तू ऑफिस से आया है, थक गया होगा, नहा ले और मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। माँ आप आराम करो, रुचिका को बोल देता हूँ, वो बना लेगी।
मयंक अपनी माँ से इतना बोलकर अपनी पत्नी के पास जाता है और रुचिका को खाना बनाने के लिए कह देता है। लेकिन तभी रुचिका अपना पलटवार करते हुए मयंक से कहती है, मयंक मैं काम तो कर दी थी लेकिन तुम्हें पता है ना कल मैं तुम्हारे साथ क्या करवाने गई थी, और अब मैं घर के काम करूंगी, बर्तन धोंगी, खाना बनाऊंगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें मेरे हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, तुम्हारे ही लिए तो मैं ये सब करती हूँ। अगर ये मेरे हाथ अच्छे नहीं लगेंगे तो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। ऊपर से तुमने कल जितने पैसे लगाए हैं जो बर्बाद किए हैं इसलिए तो किए ना ताकि मेरे हाथ अच्छे लगे, और मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तुम ही बना लो ना खाना, वैसे भी तुम तो मुझसे बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ठीक है फिर बना लेता हूँ। मैं खुद ही खाना बना लेता है और उसे काम करता देख अनिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी बहू के पास जाकर कहती है, यहाँ मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है और मयंक भी अभी ही ऑफिस से आया है, ये नहीं कि अपने परिवार को देखे, तुझे तेरे हाथ दिखते हैं, अरे थोड़ा तो देख ले तेरा पति तेरे लिए कितना कर रहा है। अरे माँ जी आपको क्या परेशानी है, आपने भी तो बहाना बनाकर काम नहीं किया था ना, और अगर मैंने काम नहीं किया तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है। अरे मेरा पति मेरे कहने पर इधर उधर नाच रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है, आप भी जाओ ना आराम करो, कुछ देर बाद खाना बन जाएगा खा लेना। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया है और ना ही मुझे बहाना बनाना आता है, मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुझे ये बहाना लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे कितना अच्छा पति मिला है लेकिन तू है कि सिर्फ उसका फायदा ही उठाती है। पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुन ले, तेरे लिए आगे चल के ये सही नहीं होगा। अनिता तो इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। रुचिका का ऐसे ही बर्ताव अपने पति के साथ रहता है। मयंक भी अब बहुत ही परेशान हो चुका था। कुछ दिनों बाद मयंक एक चारू नाम की लड़की के साथ घर पर आता है और ये कहता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। उन दोनों को देखकर अनिता काफी खुश होती है और दोनों की नजर उतारती है। तभी वहाँ पर रुचिका आती है और ये देखकर रुचिका कहती है, ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है माँ जी? माँ जी आप इसकी आरती क्यों उतार रही हो? मयंक मुझे कुछ बताओगे कि ये सब हो क्या रहा है, ये लड़की कौन है? अच्छा ये, अरे ये तो मेरी पत्नी है, मतलब दूसरी पत्नी है, शादी कैसे? क्योंकि तुमने तो पत्नी वाला कोई सुख दिया नहीं, नौकरानी बना के रखा था अपने पति को, तो अब नई पत्नी तो आनी बनती है। देख लिया, मैं तुझे समझाती रहती थी अपने पति के साथ इतना बुरा बर्ताव मत कर, आगे चल के तुझे परेशानी होगी, देख लिया ना अब क्या हो रहा है। अच्छे खासे परिवार को तूने अपने हाथों से अलग कर दिया है और अपने हाथों से अपने परिवार में आग लगा दी है। रुचिका अपने कीवे पर पछतावा करते हुए रह जाती है और परिवार छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो किसी आश्रम में काम करती है और वहाँ के लोगों को संभालती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।